नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी योजना यात्रा कार्यक्रम रूपरेखा तैयार हो चुकी है, शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बताते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर में गढ़वा के खतियानी जोहार योजना की शुरुआत कर चुके हैं। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा राज्य में संचालित योजनाओं की समीक्षा करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री किसी भी विभाग का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। सीएम का आगमन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी गई है। सीएम ने 8 दिसंबर को इसकी शुरुआत कर दी है और 9 दिसंबर को पलामू होंगे इसके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 दिसंबर को गुमला और 13 नवंबर को लोहरदगा, 15 को गोंडा और 16 को देवघर जाएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खुली जानकारी है, परीक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए जल्द कर रजिस्ट्रेशन। बदले परीक्षा पे चर्चा के 6 संस्करण की घोषणा कर दी गई है नई दिल्ली के तालकोटा स्टेडियम में। जनवरी 2023 में इसका आयोजन होगा। इसमें देशभर से चुने गए विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा से पूर्व विद्यालयों विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने की सीख देंगे, साथ ही शिक्षा और करियर से जुड़े सवाल पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक और शिक्षकों से भी वार्ता होगी, जहाँ बच्चों के सपने और लक्ष्य को पूरा करने की संभावनाओं पर भी सलाह दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खुली जानकारी है, झारखंड में बड़े हार्ट अटैक के मरीज, गलत खानपान और आरामदायक जीवनशैली और यह दूसरी वजह की। झारखंड में हृदय बीमारी और अचानक हार्ट अटैक में मामले बढ़ते जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें झपेट में 30 से 35 वर्ष के युवा आ रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि गलत खानपान और आरामदायक जीवनशैली से युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ी है। इस साथ ही जिम में युवा जोर से अधिक अपने शरीर पर दबाव डालते हैं, जिससे हृदय में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। इस कारण हार्ट अटैक मामले बढ़ रहे हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, जल्दी से JSSC CGL के अभ्यर्थियों के को आयोग ने फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम मौका दिया है। जबकि राज्य झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के 5,166 अभ्यर्थियों को फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम अवसर मिला है। उक्त अभ्यर्थियों को 16 दिसंबर की मध्यरात्रि तक फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद संतुष्ट होने पर अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में काम आ सके। फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, सीएम हेमंत सोरेन के खतियानी जोहार यात्रा पर सियासत गरमाई, बीजेपी ने कसा तंज तो JMM ने दिया जवाब। बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा में जिले में खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और इस दौरान राज्य में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। हालांकि अभी यह यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन राज्य में इसकी ये सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी योजना जोहार यात्रा पर तंज कसते हुए इसे पछताव यात्रा कहा है। वहीं झामुमो ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने झारखंड के जनता को 20 वर्षों तक जलने का काम किया है। वहीं कांग्रेस ने भी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड के शिक्षक स्कूल अवधि के में अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे बाहर, शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। बता दें कि झारखंड के सरकारी विद्यालय के शिक्षक अब विद्यालय अवधि में किसी प्रकार का रिपोर्ट जमा करने या किसी अन्य कार्य के लिए बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षकों को अब किसी कार्य को लेकर प्रखंड या जिला कार्यालय नहीं जाना होगा। स्कूल शिक्षा एवं सहायता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रतिमाह होने वाली गुरुगोष्ठी के अलावा प्रखंड कार्यालय नहीं जाएंगे। कार्यालय जाना अति आवश्यक हो तो इसके पहले अनुमति लेने को कहा गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा परीक्षक, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को नियमित रूप से विद्यालय का निरीक्षण करने को कहा गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, BRP CRP शिक्षक को लेकर के, शिक्षक अवकाश पर तो BRP CRP लेंगे शिक्षा। राज्य के वैसे विद्यालय जहाँ केवल एक शिक्षक है, उन विद्यालय शिक्षक के अवकाश पर रहने की स्थिति में BRP CRP को विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा। BRP CRP कक्षा से लेकर मध्याह्न भोजन संचालन का कार्य करेंगे। शिक्षकों को अवकाश की जानकारी समय जिला DO DSE को देना होगा। शिक्षक को व्हाट्सएप पर अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या, झारखंड में सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन मंत्री अफसर भी बदलते रहते हैं, परिवहन विभाग के दलाल अब भी जमे हैं। जिले के झारखंड परिवहन विभाग की अलग दुनिया है, सरकारें बदल जाती हैं, मंत्री का और अधिकार
बदल जाते हैं, पर दलालों का नेटवर्क यथावत रहता है। अब तक अपने खिलाफ हर आदेश पत्रता करते हुए ये दलाल विभाग में कुंडली मार कर बैठे हैं। इनका नेटवर्क ऐसा है कि झारखंड बनने के बाद भी अब इसका धंधा खुला जारी कर दिया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड के शिक्षकों को लेकर। झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद खाली हैं, जो बच्चे उनके जिम्मे दर्जनों काम बजरे के। झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद रिक्त हैं। राज्य में लगभग 5,000 से अधिक विद्यालय एवं एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी की स्थिति यह है कि अधिकतर हाईस्कूल में 5 मुख्य विषयों पर के शिक्षक भी नहीं हैं। इसके बावजूद ही शिक्षकों पर गैर शिक्षक कार्य करने का बदला दबाव बनाता है। जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है, वहाँ उन्हें किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने से पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो जाती है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी, इस समस्या समझा जा सकता है। किसी भी शिक्षक भी काफ़ी दिनों से गैर शैक्षणिक कार्य में उन्हें मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। तो वही हम बात करते हैं मौसम विभाग को लेकर के। झारखंड में फिर गिरेगा पारा, चल सकती है शीतलहर। 4 दिनों तक रहेगा मौसम का यही हाल। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में बने निम्न ताप का आंशिक असर झारखंड पड़ेगा। रांची व आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव और इससे उठे चक्रवात के तमिलनाडु में टकराने पर 8 दिसंबर की रात झारखंड के कई इलाकों में बादल छाएंगे। इससे 8, 9 व 10 दिसंबर को झारखंड के मौसम में बदलाव का अनुमान है। 9 दिसंबर की सुबह में कोहरा छाया रहेगा और हवा चढ़ने से ठंड बढ़ेगी। बादल के चलते रात में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी से 11 दिसंबर से झारखंड में और पारा गिरने की संभावना है। इसे झारखंड में शीतलहर चल सकती है। तो वहीं अगली बड़ी खबरी जानकारी है, रांची के कट्टा टोली फ्लाईओवर के पास से करीब 5 करोड़ खर्च कर हटेंगे बिजली के तार और खंभे, काम में आएगी तेजी। पता चले कि रांची के कंटा टोली फ्लाईओवर के पास से बिजली के पोल और तार हटाने और नई व्यवस्था बनाने को लेकर झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी 4.71 करोड़ से ज़्यादा खर्च करेगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसके लिए कंपनी को 6 अलग अलग टेक्निकल सेक्शन में काम बांटते हुए 4.71 करोड़ रुपए खर्च करने का एस्टीमेट थमाया है। इसमें कुछ पोल और 33,000 वोल्ट की HT लाइंस को हटाया जाएगा। तो वहीं एक बड़ी खबर बन के आ रही है, चाकुलिया में ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौत, घटना को छिपाने का प्रयास। चाकुलिया में ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौत की घटना सामने आ रही है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया प्रखंड के केंद्र डागरी गांव में गुरुवार की शाम ट्रैक्टर दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक केंद्रधारी निवासी जदत माइती के ट्रैक्टर पर उनके खेत से धान लोड कर लाया जा रहा था। ट्रैक्टर में चालक के साथ केंद्रधारी निवासी राखाल मुंडा के छोटे पुत्र हावलू मुंडा 26 वर्ष भी बैठा था। ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक लग जाने से हावलू मुंडा ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही ट्रैक्टर का पहिया उसके सिर पर चढ़ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मामले सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई तथा परिजनों से समझौता कर मृतक के शव को उठाकर अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया गया। इस बीच पुलिस को घटना की जानकारी मिल गई। इसके बाद चाकुलिया पुलिस दल बल के साथ मौके पहुंच गई। छानबीन के उपरांत मृतक के घर से पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड में बीजेपी जश्न का माहौल बना रही है। पूरे सीएम रघुवर बोले, पार्टी ने फिर रचा इतिहास। पता चले कि गुजरात इलेक्शन को लेकर के गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। झारखंड के 2 पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री बाबुल मरांडी और रघुवर दास ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। और वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुजरात की जनता को बीजेपी पर विश्वास जताने के लिए प्रति आभार जताया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, रांची के JSCA स्टेडियम में 27 जनवरी को होगा भारत और न्यूजीलैंड का T20 मुकाबला। BCCI ने जारी किया शेड्यूल। बजरे झारखंड की राजधानी रांची को अगले साल जनवरी में एक और T20 इंटरनेशनल की मेजबानी मिली है। यहां भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 जनवरी को एक T20 मुकाबला खेलेगा। BCCI ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले घरेलू सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। न्यूजीलैंड को भारत दौरे के दौरान 3 वनडे और 3 T20 सीरीज खेलनी है। दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज से होगी।
तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, फॉर सेल्फ मेड वुमन की सूची में झारखंड की जनसीता। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासी हितों की मुखर आवाज है जनसीता। अब तक मिले हैं कई सम्मान। पहले की झारखंड की युवा कवि और स्वतंत्र पत्रकार जनसीता जरगड्डा ने फोर्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमन की सूची में अपनी जगह बनाई है। साल 2022 की लिस्ट में जनसीता जरगड्डा को जगह मिली है। भारत में अलग अलग क्षेत्र की कुल 22 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। फोर्स इंडिया ने दिसंबर के अंक में पूरे भारत से महिलाओं को शामिल किया है। फोर्स इंडिया की सूची में सामिनेसिता क्रिकेटा आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली हिंदी की पहली युवा कवि एवं लेखिका हैं। तो वहीं एक बड़ी खबरीकरण किया रहे, साइबर अपराधियों की नज़र अब राशन कार्ड पर। साइबर अपराधियों ने DSO की लॉगिन ID कर लिया है, बना लिए 2,250 राशन कार्ड। कई जिलों में हुआ बड़ा खेल। नजर की साइबर अपराधियों ने बदलते वक्त के साथ साथ धोखाधड़ी का तरीका भी बदल दिया है। प्राइवेट कंपनियों के साथ अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर भी धोखाधड़ी करने लगे हैं। साइबर अपराधियों ने देवघर DSO की ID हैक कर ली और इसके बाद BSO ID बनाई और इसकी मदद से लगभग 2,500 राशन कार्ड बना लिए हैं। कई जिलों में इसकी तरह से मामले दर्ज किए गए हैं। इस घटना के खुलासे के बाद इस तरह के कई मामले दूसरे जिलों से भी आ रहे हैं। अभी इस मामले की जांच की जा रही है। गिरिडीह के साथ साथ जिस राज्य में इस धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं उसमें हजारीबाग शामिल है। हजारीबाग के DSO का ID हैक कर भारी मात्रा में गृह राशन कार्ड को प्राथमिकता हाउस गोल्ड कार्ड में बदला गया था दिया है। राज्य मुख्यालय से अब समूचे जिलों के DSO की ID PDS सिस्टम के लिए बंद कर दी गई है। फिलहाल एक खबर बस इतना ही थी। कुछ आज की सबसे महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो मैं उम्मीद है खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।